जो धमाल हो रहा है ना धमाल गली में, वो हो रहा है हमारा पिज्जा के साथ। ये छोला पिज्जा जो है ना, ये पहली बार खा रहे हैं। आप देख सकते हैं छोले, देखो इस पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्टी लाइफ बाय निकिता। तो आज हम आए हैं कहां पर भास्कर, सबको बताओ। आज हम आए हैं, होली आ रही है तो प्री होली की पार्टी करने हम आए हैं धमाल गली के साथ। और आज देखते हैं कि हमें क्या कलरफुल चीज मिलती है। रंगों के साथ होली नहीं, ये जो होली होगी ना खाने के साथ होली होगी। और खाने की होली कैसी होगी, अंदर जाके देखते हैं और बताते हैं कैसी होगी। और हम हैं सैनिक फार्म्समर मेहरोली में, तो चलो आओ, तो चले चले आओ, फिर एंट्री करते हैं और देखते हैं कि शुरुआत कैसे होती है। ओह माय गॉड, ठंडाई, होली का सीजन है, होली की पार्टी और ठंडाई ना, भांग नहीं है ठंडाई है, ठीक है। देखते हैं कैसी कैसी लग रही है। ठंडाई बहुत बढ़िया है। ठंडाई की बात क्या, होली के रंग आपको दिखने शुरू हो गए हैं गोल गप्पे के संग। अरे वाह, कलरफुल वाले गोल गप्पे, ये है कलर्ड पानी पूरी। ऑसम, तो भास्कर इसको रखता हूँ मैं, कलर्ड पानी पूरी ट्राई कर ले। कौन सी आप बताओ, कौन सी ट्राई करूँ मैं? मैं सोचता हूँ कोई भी कर ले यार। ऑरेंज, ऑरेंज ट्राई करते हैं जो हमारे कपड़ों से मैचिंग भी हो रही है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और भैया इसमें क्या भरा हुआ है? चीज सैलेड। अरे वाह, सैलेड वाली पानी पूरी हमने कभी नहीं खाई पहले, तो आज चीज सैलेड वाली पानी पूरी खा रहे हैं और देखते हैं कैसे होली के रंग चलते हैं। सैलेड, चीज सैलेड डाला हुआ है पानी पूरी में। डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अंदर आते ही हमें अच्छी भी लागत, ठंडा ठंडाई भी, गोलगप्पे खा लिए चीज वाले। अब अंदर जाके देखते हैं बाकी और क्या क्या चीज मिलती है। तो गोलगप्पे तो हमने खाए स्टार्टिंग में, तो गोलगप्पे जो है ना, जो मैंने आपको कहा था गोलगप्पे जो है कलरफुल गोलगप्पे हैं, सैलेड वाले गोलगप्पे हैं। तो अब हम देखते हैं कि सैलेड क्या डाला है। भैया थोड़ा दिखाओगे इसमें क्या क्या डाला है, जरा बताओगे? मैक्रोनी है, हैंकर दही है और चीज है। अच्छा, हैंकर दही भी है, चीज भी है। हैंकर दही, चीज, मैक्रोनी और वेजिटेबल्स। अरे वाह, और ये हमारे हेल्दी वाले गोलगप्पे हैं जो हमने सैलेड की तरह तैयार करे। ये गोलगप्पे जो हैं हेल्दी वाले हैं। लेकिन अब जो चीज़ है ना, एक और होली वाला फील देने के लिए हर चीज यहाँ पे आपको मिलेगी कलरफुल। ये हमारा है ढोकला, ठीक है भैया जी, ढोकला। अच्छा, तो इसमें जो कलर आया हुआ है वो कलर कैसे आया हुआ है? फ्लावर कलर, नेचुरल कलर। अच्छा, इसमें क्या लगाया हुआ है? ये तो आपका हो गया ये ढोकला हो गया सूजी में, उसके ऊपर क्या डाला हुआ है? इसमें मैक्सिकन राजमा डाला हुआ है। अच्छा, मैक्सिकन राजमा, वाओ। कौन दाना है, कौन दाना है, ठीक है। तो मतलब आज आपने सारा ना फ्यूजन वाला कहते हैं, फ्यूजन फूड होली के लिए। तो अब ये भी खा के देखिए ढोकला कैसे है। ढोकला तो है ही बढ़िया, ये जो ऊपर मैक्सिकन सॉस है ना, जो मतलब इसका फ्यूजन किया जाता है, स्पाइसी, फुल ऑफ वेजिटेबल्स, कॉर्न, सबका टेस्ट जो ब्लेंड हो रहा है ना, बहुत अच्छा ब्लेंड हो रहा है और मजा आया खा के, मजा आया। माल गली पे जो प्री होली के रंग छा गए हैं और मैं अब खाता हूँ ये ढोकला, मैक्सिकन वाला, मैक्सिकन विद ऑल द राजमा एंड ऑल। तो मैं पूछता हूँ अब इनसे कि ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कैसे स्टार्ट करा और इनको कैसे आया कि ऐसा फ्यूजन ये ला लेके आए, क्योंकि मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये फ्यूजन, ये कलरफुल फ्यूजन। सो हियर मनीषा जी हैं, ये नया फ्यूजन वी ट्राइड बिकॉज लोगों को कुछ नया चाहिए। Absolutely, कुछ नया तो होना ही चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। धमाल गली means something, धमाल करने वाला, धमाल करने वाला। तो ये जैसे जैसे ये जो जा रहा है ना, ये जो मैक्सिकन जा रहा है, तो मुंह में जाकर ना धमाल ही कर रहे हैं। तो we are using all organic colors। ये देखिए मंचूरियन तो हमने हर जगह खाया हुआ है। This is not a Manchurian. This is not a Manchurian. So what is this? This is a you can call soya meatballs. हम लोगों का ये ना, ये हम लोगों का मीट है, नॉन वेज हम वेजिटेबल, हमारे लिए मीट है। इट्स अ फ्यूजन ऑफ इटालियन, साउथ इंडियन एंड चाइनीज। वाओ, हैट्स ऑफ टू यू शेफ, इट्स रियली ग्रेट। अब इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे। तो हमारा जो है ना मीट, ना वेज मीट रेडी हो गया है। अब निकी जरा टेस्ट करके बताओ कैसा लगा। ओके, आई एम ट्राइंग दिस वेज मीट बॉल्स। Wow, it is totally amazing. अगर किसी को अप्रोच करना हो आपके पास तो कैसे करेंगे?
अभी आ रहे स्विगी स्विगी जोमैटो ऑनलाइन भी है हमारा ऑनलाइन वी आर डूइंग आल्सो ऑनलाइन डिलीवरी आल्सो ओके और केटरिंग के लिए भी कर सकते हैं या धमाल हो रहा है ना धमाल गली में वो हो रहा है हमारा पिज़्ज़ा के साथ। पिज़्ज़ा बहुत खाया है, चीज़ बस पिज़्ज़ा खाया है, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा खाया है, ओवरलोडेड पिज़्ज़ा खाया है, लेकिन पिंडी छोला पिज़्ज़ा जो है ना ये पहली बार खा रहे हैं। आप देख सकते हैं छोले, देखो इस पे गार्निशिंग बहुत बढ़िया रखी है, चीज़ बहुत है। और आप टेस्ट करते हैं पूरी चीज़ी पीने वाले हैं कुछ ठंडा ठंडा जिसका नाम है पटाकी। पटाकी होली पे पटाके, होली की हमने ठंडाई पी ली है, खाने का स्वाद उठाया। अब हमारी जो मॉकटेल है होली की होती है भांग, लेकिन यहाँ पे पटाकी होली की पटाकी, तो देखते हैं कैसे बन रही है होली की पटाकी। ये इन्होंने डाला है वैली से खुश शरबत, खुश पटाखे। ये है शुगर सिरप, लेमन है, लेमन डालने ये शुगर सिरप, अब डाल रहा शुगर सिरप, थोड़ा चाट मसाला, अरे वाह चटपटी पटाकी, नमक, डिश सोडा, सोडा। जब तक अपने हाथ से ना करो ना तब तक मज़ा नहीं आता। ओह नए स्टाइल का शेकर है, ओह एक शेकर मज़ा इतना आ रहा है। अब जो है ना अब आपको पिलाएंगे हस का हस वाली पटाकी, पटाकी पटाखी होली की पटाखी, 30 मीठी खस पटाखी, स्वाद आ गया। अलग फ्यूजन देखेंगे बर्गर में, इसमें से इन्होंने बताया कि एक दाल मखनी है और एक राजमा, और दाल मखनी और राजमा वाला बर्गर है। अब मुझे नहीं पता कौन सा दाल मखनी कौन सा राजमा, खा के बताता हूँ कि दाल मखनी और राजमा असल में है या सिर्फ नाम का दाल मखनी और राजमा वाला बर्गर है। पहले हम ट्राई करेंगे ये, पहले आप देखिए कितना बढ़िया बर्गर लगाया है। इसमें मेयोनीज इसमें है, चीज़ इसमें है, लेटस इसमें है और क्यूकम्बर इसमें है। ट्राई करते हैं, मुझे लगता है ये राजमा है, बाद में दूसरा खाकर बताता हूँ। मैं ठीक हूँ, ये बताएंगे मेरे को मैं ठीक बोल रहा हूँ, राजमा दाल मखनी एब्सोल्युटली करेक्ट, इतना बढ़िया शानदार बर्गर है। आपकी मदर ने कुक कराई है? मेरी मामी ने। मामी ने? आप इतने खुश नसीब हो क्या कि मामी इतनी बढ़िया है जिन्होंने राजमा और दाल मखनी को ना बर्गर में बना दिया। हम तो दाल मखनी के साथ नान ही खा रहे थे, आज बर्गर खाने को मिले, बहुत मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। थैंक यू। तो होली का मज़ा हमने तो ले लिया है, प्री होली का मज़ा ले लिया हमने धमाल गली के साथ, रंग बिरंगे फ्यूजनदार धमाकेदार धमालदार खाने के साथ। ताकि हमें तो ये बहुत बढ़िया लगा, हमें ये बढ़िया लगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे भी लोगों को भेजिए ताकि वो भी कलरफुल बढ़िया जायके का स्वाद ले सके।